टाइम है तो हमें ये स्केच की जो पिछली वाली दीवार है ना ये वाली ये स्केच भी साफ किए तो स्केच के पीछे ना कलर कर देते हैं। शुरू हो गए सारे दीवार आधी हो गई है बस थोड़ी सी इतना हिस्सा रह गया देखिए ये इतना सा हिस्सा रह गया बस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने मिनी जू में और मिनी जू में ये हम कल के परसों हमने ये कलर कर लिया सारा क्योंकि केज में आपको मैंने बताया था कीड़े हैं बहुत ज़्यादा इस केज में कलर किया। अभी ये केजेस रहते हैं जना बहुत साफ सुथरे लग रहे हैं। बाकी ये जो जाली है इस पर भी हम कर देंगे, इस पर तो दूसरा पेंट होना है तो वो अभी नहीं आया हुआ। ये वाला जो पेंट है ना ये सफेदी है तो ये है। अभी मैंने बनी को भी रैबिट जो है अपना उसको भी ला के एप्पल डाला था, एप्पल क्योंकि ये फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स बहुत शौक़ से खाते हैं तो इसको अभी मैंने इस केज में बंद किया हुआ है। मुर्गियाँ भी सारी इधर इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसको मैंने ये इस केज में बंद किया हुआ है। देखिए ये है, इसको अभी निकालते हैं। ये देखिए ये केज इसमें सारा एप्पल गंदा कर दिया दाने के साथ। भाई मुझे पकड़ाओ ना, चलाओ इसको हाथ से। ये देखो क्या हाल किया इसने, बिल्कुल दाने के ऊपर रख दिए इसने तो ये जाया करेगा अब ये क्योंकि गंदी ये रख देते हैं नीचे बाद में भी खाता नहीं चीज़ जाया करता है। और ये सारी देख चूजे इसी इंतज़ार में है, ये देखिए ये सारे इसी इंतज़ार में है कि ये एप्पल हमें दे दे तो अब ये तो नहीं खा रहा। ये इसको इनको डाल देते हैं, ये देखे सारी आ गई, ये डाल देते हैं हम इधर। देखे सारी ये पकड़ लिया एक ने, वो उधर से और भी आ गई है सारी। बनी ना काफ़ी देर से इसमें ही बंद है, ये बाहर निकल रहा है। इसको हम एक काम करते उठाते हैं और वो इधर आते हैं, ये पीछे चला गया। अब इसने आना भी नहीं है, अब इसको पकड़ना पड़ेगा दूर से। इसको हम उधर वो जो मिट्टी है ना उस तरफ हमारे कॉर्नर में हमने जो मुर्गियों के लिए रखी हुई है वो उधर इसको लेके जाते हैं मिट्टी में। थोड़ा तो थोड़ी सी मिट्टी वैसे उसमें कुछ उधर करना नहीं तो हम थोड़ा सा पीछे होते ताकि ये बाहर आए और इसको फिर हम मिट्टी में लेके जाएँ। तो उठाते हैं और इसको उधर लेके चलते हैं अब मिट्टी के पास क्योंकि अभी वहाँ मुर्गियाँ कोई नहीं तो इससे पहले मुर्गियाँ आ जाएँ तो हम इसको उधर ले जाते हैं। लेकिन हम कैसे बैठ गए इसको शायद पता चल गया कि मैं मिट्टी में जाने लगा हूँ खेलने के लिए इसको उधर ले कर। इसको मैं अभी यहाँ ला के छोड़ा इसमें और ये बाहर आ गया, इसने मुझे ये इधर पंजे भी मारे हैं। ये देखिए इसने ये इधर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसने मुझे पंजे भी मारे हैं, बहुत ज़ोर से मारते हैं क्योंकि दो हाथ से कंट्रोल ही ना होता। ये देखे नज़र तो नहीं आ रहे होंगे, पता नहीं वो दर्द बहुत सड़न पड़ती है। फिर अब इसको बाहर खोल, मैंने इसको मिट्टी में छोड़ा है तो मिट्टी में जा नहीं रहा पता नहीं क्यों। चल दो हाथ से भी कंट्रोल भी नहीं होता वो, चल 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 ये इधर खेल। हाँ ये देख पता नहीं क्या करता, मिट्टी में खेलता नहीं है ये, ऐसे ही मिट्टी को करता रहेगा नहीं तो रैबिट्स होते हैं ना वो सूंग निकाल लेते हैं। ये मुर्गी चूजे आ गया मेरे पास और ये देखे चूजा एक उधर नहीं जा रहा पता नहीं क्यों, ये भी सुस्त है क्योंकि कल से बहुत ही ठंडा हुआ हुआ थोड़ा, क्योंकि कल हवा भी तेज चली थी और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से मौसम थोड़ा थोड़ा ना ठंडा हुआ हुआ है और मुझे लग रहा है इसको भी थोड़ा बुखार हुआ होगा। नहीं तो ये अभी तक कल तक सही था। हाँ तो ये देखिए ये इसको फिर सूझ रहा बाहर जाने की, क्या मैं अभी ज़रा सा ये देखें मैं जैसे ही थोड़े से पीछे हूँ ना ये बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर निकल जाता है। और फिर सारी मुर्गियाँ ना ये जाता भी इधर से सीधा इधर, इधर से सीधा उस तरफ और उधर सारी ये जो मुर्गी है ना वो सारी फिर डरती हैं बोलने लग पड़ते सारी शोर करती हैं। फिर ये देखे ये गया, ये अब सारी मुर्गियाँ आ गई इसको मारने के लिए। ये देखे ये सारे ये देखे ना ही उसको कुछ ना कहीं। हाँ चल बनी आ जाए तू उधर, इसको उधर कर देते और ये तू ज़्यादा ही थोड़ा ढीला ढीला लग रहा। नहीं सही है भाग तो सही रहा है, फिर भी पता नहीं वैसे क्या। इसको अब थोड़ी देर इधर ही खोल लेते हैं, ये फिर बाहर आ गए इसका इसको पता नहीं क्या मसला है, इसको बंद ही करना पड़ना है। फिर सारी मुर्गियाँ फिर डरती हैं ना इसलिए, और तो कोई मसला नहीं अगर फिर चाड़े इसको। ये देखे अब फिर उधर भाग जाएगा इसका पता नहीं क्या करना। देखे ना सारी मुर्गियाँ फिर डरती ही हैं। अभी मैं इसको बंद करने लगा हूँ क्योंकि ये बार बार इनके पास आ रहे मुर्गियों के पास और सारी मुर्गियाँ भी शोर करती है और इसको मार भी पड़ती है, इसको इसलिए मैं बंद कर देता हूँ इसके उसी केज में। चल आ जा तूने बाहर बहुत घूमी और इसने ये खाता भी बहुत है मोटू। चल ये पकड़ लिया, ये देखे ना पंजे मारने की तैयारी में फुल होते हैं, फुल पंजे मारता है ये। इससे पहले फिर से दोबारा से करे तो ये देख चल अंदर
अंदर चल अब, चल जा, चल यार चला गया, चल अंदर अब, तुझे खिला दिया बोल, अब नहीं इसको और खिलाना। आज इन मुर्गियों को खोल दिया और इनको बाहर दाना कह रहा हूँ, रोटियाँ डाल दी है, ये देख ये खा भी गए हैं सारे, और इनको देख ये भी इंतजार में खड़े हैं कि मुझसे फाइट करे, लेकिन फाइट करने नहीं देनी क्योंकि इनके ना नाखून बहुत बड़े होते हैं, खास करके देसी मुर्गे के। वो देखे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इनके पाँव पे होते हैं ना नाखून, ये बहुत होते हैं, तेज होते हैं, और ये अगर कहीं लग जाए ना आँख पे तो आँख निकल भी जाती है। इसी तरह मैंने बताया वहाँ का जो एक मुर्गा था ना नीचे जो हम ले गए, उसकी भी इसी तरह हुआ था, दोनों ने फाइट कर ली तो उसकी आँख बेचारे की अब जाए और उसको नजर नहीं आती। ये अभी इन्होंने देखा खा लिया ना सारे, उधर चले जाएंगे, और इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। कोई भी मुर्गा बाहर निकले ना तो ये दोनों शोर मचाना शुरू कर देते, ये भी वो भी वो, तो मैं अब फिर ठीक हो गया हुआ है तो उसको नहीं सुकून, बाकी जब बीमार था ना कब सही था ना, आराम से बैठा रहता था। तो वो देखो वो भी तीनों चली गई हैं, वो तीनों बस ये मुर्गा रह गए, इसको लगता है थोड़ा मिला है ना, वो भी खा रहे थोड़ा, ये भी काफ़ी बड़ा माशाल्लाह मुर्गा है। मुर्गियाँ अभी तक बाहर खुली हुई है और इनके जो केज है इसकी सफाई भी हुई है अभी 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 किया है, देखिए ये साफ हो गया है, बाकी इतना तो होता है थोड़ा सारा गीला गीला होता है ये, बाकी इस केज की साफ हो सफाई हो गया क्योंकि ये अभी खुले हुए थे, जब ये खुले हो ना तो फिर इनकी भी सफाई हो जाती है। बाकी ये जो है ना ये सबसे कम खुलते ही हैं, ये वाली इनको आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा खुलते हुए, नहीं तो ये सबसे ज़्यादा बंद ज़्यादातर बंद ही रहती हैं ऊपर। बाकी सारी मुर्गियों का भी अभी हुआ करने वाला कि साफ, इनका ये नहीं ज़्यादा गंदा करती, ये वाइट इनका ना ज़्यादा गंदा नहीं होता, सबसे ज़्यादा गंदा होता है इन दो, ये नीचे जो वाला ना ये वाला सबसे ज़्यादा ये गंदगी करते हैं। अभी दे इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमें नहीं बाल खोल रहे, खोलते इनको नहीं अभी आज खोला, ज़्यादा तो यही खुली होती हैं इसलिए इनको फिर अब बंद रखा हुआ है, क्योंकि इसका केस का मसला भी था ना कि कीड़े से, तो वो इसलिए ये सर्दी किया है क्योंकि फिर इस पर कीड़े भी नहीं आएंगे, कीड़े मर जाते हैं, इसमें कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से कीड़े सारे मर जाते हैं, देखे ना ये वाइट कलर का सारा, वैसे फिर कीड़े मर जाते हैं, इसलिए अब इनको बंद कर दिया। इनको कोई पाउडर भी लगाया था इनके पड़ों के नीचे जिससे कीड़े मर जाते हैं, इस वो भी लगा दिया हुआ है, तो वो भी अब इनकी माशाल्लाह सही है, देखे ना अब सही बखेड़ा होता है, पहले तो थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर लगता था। अभी टाइम है तो हमें ये जिस केज की जो पिछली वाली दीवार है ना ये वाली, ये केज भी साफ किया तो इस केज के पीछे ना कलर कर देते हैं, फिर इसी तरह इस केज के पीछे तो हुआ हुआ है, वो देखे सारा वाइट कलर का ना हुआ हुआ सारा पेंट, इस केज के पीछे नहीं हुआ हुआ है, इसके फ्रंट पर भी हुआ हुआ है, इस साइड पर भी हुआ हुआ है, और उस साइड पर भी ना सारा हुआ हुआ है, तो इसलिए तो वो वाली इस केज का जो अंदर वाला हिस्सा है ना बस वो रह गया हुआ है, उसको मैंने थोड़ा सा दान डाल के डाला, ये देखे पर मुझे लग रहा है इसको भी फूल लाइए, क्योंकि रात को फिर ऊपर अंधेरा आता है, रात को आया नहीं जाता है ऊपर दाना डालने के लिए, इसी टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि इनको डाल दूँ दाना, तो ये अभी नहीं खा रहा, तो चल खा ले फिर अंधेरा हो गया, फिर इसको बंद भी करना है, ये खा नहीं रहा बैठ गया, और चूजे फिर सारे इकट्ठे हो गए इधर, इस देखे सारे इकट्ठे हो गए, इनको चाहिए इनको हर जिनको जितना भी दाना डालो ना काम होता है, इनको चाहिए होता है और ये और खाते रहते हैं, फिर जितना डालो ना फिर बस भी नहीं करता, बेशक इनकी इनका पेट इतना बढ़ गया, इसको डाले पर ये खा नहीं रहा, अगर नहीं खाएगा तो ये दाना उठा के इसको हम दूसरे डिब्बे में रख देंगे, फिर इसको डाल देंगे सुबह डाल देंगे, और ये फिर ये आगे भी ऊपर चढ़ी थी सुसाइड करने के लिए, या फिर ऊपर चढ़ने लगी है, इसका भी कोई दीन मान नहीं है, कभी करने का इरादा बनाती है सुसाइड, फिर नीचे उतर जाती है, फिर ऊपर चढ़ने लगी है, देखें बाकी ये इसको अभी वो देखे वो लेट गया, उस जनाब के लिए मैं दाना ला के डाले और वो जनाब सो रहे हैं, कितने मज़े से लेट गए, इसके लिए तेरे लिए मैं दाना डाल ले के आया हूँ खा ले, नहीं खाता जनाब, हम बंद कर देते हैं, हम अपने केज की तरह चलते हैं जिसमें भी हमने पेंट करना है, केज का पेंट आज करते हैं हाथ, फिर तीन केज रह जाएंगे, फिर उसमें जब भी टाइम मिला तो उस केज का भी कर देंगे काम, देखे ना इधर से कितना प्यारा लग रहा है, प्योर वाइट हुआ हुआ इस तरह से भी, बाकी ये जालियों का ग्रीन है ये थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा है ये इधर से, बाकी ये सारा वाइट प्यारा लग रहा है, इस केज के अंदर हुआ हुआ इसके अंदर नहीं हुआ, देखे इस साइड पर भी हो गया हुआ सारा केज, इस साइड पर भी सारा हो गया, शुरू हो गया सारी द्वार आधी हो गया बस, थोड़ी सी ये इतना हिस्सा रह गया, देखे ये इतना सा हिस्सा रह गया बस,
बाकी साड़ी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये पहले मुझे ये अभी पता चला, ये पहले ब्लू कलर होता है और बाद में ये इस तरह वाइट हो जाता है। ये इस तरह का देखे सारा वाइट हो गया। ये पता नहीं क्यों पहले ब्लू ब्लू होता है गीला गीला जब हो, अभी देखे कैसे डार्क ब्लू लग रहा है कलर। ये देखे, ये देखे ब्लू, डार्क ब्लू। और अभी देखना कल तक सिर्फ इस तरह का वाइट बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। बंदर देखे इतना इस तरह ब्लू कितना प्यारा लग रहा है। बस ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया कॉर्नर, क्योंकि उधर तक हाथ नहीं पहुंचा तो ब्रश के आगे कोई छोटी लगानी है। सिर्फ इतना इतना हुआ है, उधर तक आगे हाथ नहीं पहुंचा क्योंकि ये आगे ऊपर फट्टी की छत है ना, फट्टियों की, तो अंदर जा भी नहीं सकते। नहीं तो मैं चले जाना था, बस दरवाजा गुस्से भी बड़ा है, मैंने आसानी से वो अंदर थोड़ा आ जाना था तो फिर हो जाना था। जब बस साइडों में पट्टियाँ लगी हुई ईंटें, बाकी अंदर जो है ना सेंटर में छत वो फट्टियों का है और फट्टियों के ऊपर फिर सीमेंट हुआ हुआ है, इसलिए अंदर जा नहीं सकते। चूजों का केज है ना, तो इसलिए सारे चूजे इकट्ठे हो गए हैं इधर, क्योंकि इधर से रैबिट है ना, तो रैबिट को निकालते हैं इधर से। चल आ जा, पकड़ लिया तुझको मैं अपने इसके टाने में लेके जाऊँ। और इसने जो दाना रखा है ना इसके डिब्बे में रख देंगे, ये फिर सुबह खा लेगा। सुबह ये टाइम हो जाती है जब सूरज निकलता है, बस ये पंजे ना मारे, इसको बंद करते हैं इसके अपने डिब्बे में, फिर चूजों को उधर करते हैं। इसका दाना मैं ले आऊँगा। चल इधर हो, चल गया, चल तो बंद कर दिया। चूजों दरवाजा पहले दाना उठा लेते हैं और चूजों को फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि दाना पड़ा हुआ है, चूजों ने फिर सारा दाना खा लिया। बनी कि पानी वाला डिब्बा भी उठा लेते हैं, इसका इधर रख देते हैं। और ये दाना जो है ना इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। चल आ जा, एक खास है ना, कुछ भी नहीं होता, इतने की है रहा, इतने चूजे खा लेंगे। बाकी मैंने थोड़ा सा पकड़ा वो भी नहीं गए चूजे, मैं वो भी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि बाद में बनी को डाल देते हैं इसमें। तो बनी रात को इसमें ही रहता है, ये पकड़े, ये डाल दिए मैंने। चल वो चूजे बंद कर दिए उसमें, चूजों को बंद कर दिया उसने, भी नहीं गए वैसे चूजे, ये इधर ही हैं, इनको भी नहीं बंद किया। तो बाकी इधर ही ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।